मुरादाबाद में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति के जिला कार्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए दुआ की गई तथा परिवार के लोगों से कहा गया कि हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति के जिला कार्यालय नई सड़क कोहना मुगलपुरा में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने संबोधित करते हुए पुलवामा में हुए आतंकी हमले को कायराना अब बुजदिलाना बताते हुए नौजवानों की शहादत पर अपने गहरे रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अमन के लिए एक बड़ा खतरा है। हम इस कृत्य की पुरजोर शब्दों में मजम्मत करते हैं। हमारी तमाम हमदर्दियां फौजियों के परिवारों के साथ हैं। शोक सभा की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष इफ्तिखार खान ने की तथा संचालन मोहम्मद परवेज खान ने किया। इस सभा में बड़ी तादाद में समिति के कार्यकर्ता तथा मोहल्ले के गणमान्य लोग शरीक हुए तथा उन्होंने मोमबत्तियां हाथों में लेकर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नसीम वारसी, मोहम्मद नाजिम, नाजिर खान, नदीम खान, मोहम्मद वसीम अफसरी, मोहम्मद यूसुफ, सलीम खान आदि बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। पुलवामा में जो ये हादसा हुआ है, ये सिर्फ कुछ लोगों पूरे मुल्क का हादसा है, पूरी इंसानियत का हादसा है। इससे पूरे मुल्क को, पूरे इंसानियत को तकलीफ पहुंची है। हम इस हादसे में उन मजलूम खानदानों के साथ हैं जिनके लोग शहीद हुए हैं। पूरी तरीके से हम फौज के साथ हैं और मुल्क के आवाम के साथ हैं। मुल्क के आवाम और हुकूमत जो फैसला करी है हम उसकी तायद करते हैं। कल भारत बंद था, हमारा भी पूरा इलाका, पूरा बाजार बंद था। जहां और लोगों ने बंद किया, वह पूरा मुस्लिम समाज कंधे से कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहा और एक एक दुकान हम मुस्तकिल बन रही शाम तक। ऐसा नहीं है कि खाली ये किसी मखसूस तबके या फिरके का गाँव, ये पूरे मुल्क का गम है और इस गम की घड़ी में पूरे मुल्क के साथ हैं, पूरे मुल्क की आवाम के साथ हैं, मुल्क की सरहदों के हिफाजत करने वालों के साथ हैं, मुल्क के फौजियों के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे, उनके ख़ानदान के भी हमारे साथ साथ हमारी पूरी पूरी हमदर्दी है। बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो काम किया गया, ये बहुत घिनौना काम है और इसकी तमाम देश, तमाम लोग, इसकी जो अमन पसंद लोग हैं वो इसकी ज़बरदस्त मजम्मत कर रहे हैं और ये मजम्मत के लायक काम भी है। अच्छा, आज क्या किया गया है? आज यहाँ पे हमने जो लोग हमारे जवान शहीद हुए हैं वहाँ पे, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके मतलब कैंडल का प्रोग्राम किया गया था और इसी उसमें सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और तमाम लोगों ने इसमें शोक जताया है। उनकी रूह के लिए दुआ मांगी है, उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई है और उनके घर वालों के लिए मतलब शांति की और उसके लिए दुआ की गई। क्या अपील करेंगे प्रधानमंत्री से और देश की लोगों से? प्रधानमंत्री से यही अपील करूंगा कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये काम घिनौना काम किया, उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे किसी को ये ऐसी करने की हिम्मत ना हो कि हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए या हमारी फौज के लिए कोई बुरी नज़र से या बुरा काम दिल में सोच सकती सकता है। जौहरी साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या आज प्रोग्राम हुआ? आज कैंडल का प्रोग्राम हुआ है और सारे धर्म के लोगों से आज अर्पित है और प्रधानमंत्री से अपील है कि वो इस पर कार्रवाई करें।